Hello to all the students who are the subscribers of my channel and also to the school students. आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल का आंसर लेकर आया हूँ. सवाल भी कह सकते हैं, डाउट भी बोल सकते हैं, बच्चों में होता है और अक्सर इस पर बहुत मजाक भी बनता है. जैसे कि एक सवाल हुआ करता था, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया. ऑब्वियसली उसका आंसर बहुत आसान था, लेकिन ज़बरदस्ती तो खींचा गया. साइंस के लोग जानकार पहले से जानते थे, इसका बेसिक आंसर था अंडा. एक और आंसर होता है, करंट पहले आया कि मैग्नेटिज्म. इस बाद में बात करेंगे कि करंट का जन्म पहले हुआ कि मैग्नेटिज्म का जन्म पहले हुआ, किस थ्योरी का जन्म पहले या किस फिनोमिना का जन्म पहले हुआ. ये बात की बात है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है कुछ लोगों के अंदर. पर एक और सवाल होता है, एक और डाउट मैं कहता हूँ, सवाल तो नहीं है पर डाउट है, कि लोग बोलते हैं इस पर मजाक बनाया जाता है, जोक बनाया जाता है इस पर. इस जोक का मैं अंत कर दूंगा आज के बाद, कोई जोक नहीं करेगा इस पे. कहते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स और बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे कहा जाता है कि बस 10वीं तक पढ़ लो फिर लाइफ इजी है. फिर कहते हैं बस 12th तक पढ़ लो फिर लाइफ इजी है. फिर कहते हैं बीटेक कर लो बस लाइफ इजी है, या बीएससी या ग्रेजुएशन कर लो लाइफ इजी है. सॉरी आवाज के लिए. फिर कहते हैं कि बस नौकरी कर लो लाइफ इजी है. तो ऐसे करते 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 लाइफ खत्म हो जाती है. आपको पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सुनिए क्या है. जैसे कि मेरे पास एक कॉपी है, ये जो कॉपी है ना, ये देखो इसमें पेन रखा है मैंने, और इसको मैं यहां रखा हुआ है, यहां से यहां लाने में मुझे वर्क करना पड़ रहा है, मुझे एक्सटर्नल वर्क देना पड़ रहा है. ये देखो मैं खिसका खिसका रहा हूं ना, लेकिन खिसकाया 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 खिसकाया, इसको बोलते सेंटर ऑफ मास. अभी बिल्कुल अंदर, थोड़ा सा अंदर है कॉपी के, और अब मैंने हेल्प मेहनत करी क्या? अब नहीं करी मैंने मेहनत. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, मतलब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने इलस्ट्रेशन दिया उसका मतलब क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड. जानते हैं जब तक ये पेन कॉपी पर है ना, तब तक आप 12वीं में हैं, उसके बाद आपको मदद नहीं करनी पड़ती. ये सच है. उसके बाद चीज़ें खुद होती हैं, चीज़ें खुद होती हैं. और जानते हैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ मैं आज, और किसी से मत पूछना आज के बाद इस बात का सही आंसर. आपको सचमुच में 12वीं तक ही एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ता है कि चीज़ें मूव करें, और अगर एफर्ट इस लायक हुआ तब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सच में नहीं करनी पड़ेगी. आप बिल्कुल बहाव के साथ सक्सेस की तरफ चलते चले जाएंगे, आसानी से, ज्यादा मेहनत किए बगैर. लेकिन अगर आपने ये मेहनत अभी 12वीं तक नहीं करी तो करनी पड़ती है जिंदगी पर. तो ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, कोई गलती नहीं है. इस दुनिया में कहते हैं कि 4% लोगों के पास 96% ऐसा है. हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं. हम नॉर्मली जिंदगी जी लें वही काफी है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं. तो ये इस पे जोक बनाना बेकार है, बस बीटेक कर लो बस नौकरी, नहीं, जरूरत नहीं है. बीटेक बहुत आसानी से निकल जाती है अगर आप सही कॉलेज में हैं, क्योंकि वो कॉलेज आपको सही राह दिखा देगा, सही तरीके का एनवायरमेंट होगा, आसपास जो लड़के लड़कियां होंगे उनका दिमाग, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि आप सही दिशा में बिना मेहनत के अपने आप अनोइंगली चलते चले जाएंगे. और किसी वाहियात से कॉलेज में आप बीएससी बीटेक करोगे तो आपकी भी सोच दो कौड़ी की रहेगी, क्योंकि आपके आसपास के लोगों की भी रहेगी. उस घटिया सोच के साथ आप घटिया लेवल की जॉब करोगे, वहां भी घटिया लोग मिलेंगे, और उसके बाद आप घटिया शायद घर में शादी भी कर लो, क्योंकि आपकी जब लेवल ही नहीं है उतनी कि आप, तो आपकी शादी कहाँ होगी फिर? सही सही घर में तो नहीं हो सकती. तो सब कुछ मीडियोकर होता चला जाएगा, सब कुछ मीडियोकर होता चला जाएगा. उसकी पहली नींव 12वीं के अंत में रखी जाती है. और मैं 12वीं के रिजल्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता जितनी कि 12वीं के बाद आप विभिन्न एग्जाम्स देते हो, जो भी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं अपने लिए. साइंस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं. किसी ने नीट सेलेक्ट किया हुआ है, किसी ने जेई मेन सेलेक्ट किया हुआ है, किसी ने कुछ और क्षेत्र में शायद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम देना होगा, किसी को शायद एनडीए देना होगा, किसी को कुछ भी एग्जाम देना हो सकता है. उससे फर्क नहीं पड़ता,
बारहवीं के साथ वो जो एग्जाम्स है, मैं दोनों को मिला के कह रहा हूं, उन दोनों को मिला के कह रहा हूं कि आपका जो मेहनत का, कड़ी मेहनत का जो समय होता है ना, वो सचमुच में बारहवीं तक ही सीमित होता, उसके बाद चीजें फ्लो करती हैं अगर आपने मेहनत करी है। अगर नहीं करी है तो फिर वो लोग सही हैं जो मजाक उड़ाते हैं, यार बारहवीं तक कहा था मेहनत कर लो, अब तो बीटेक में भी करनी पड़ रही है, अब तो नौकरी में भी करनी पड़ रही है। हाँ, ये उन लोगों के लिए सही है जो बारहवीं में नहीं करे मेहनत, नहीं करे। जिनने बारहवीं मेहनत करी और अपना गोल सेट किया था जिस एग्जाम पर, वो निकाल लिया, उन्हें आगे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो इस पेन की तरह ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिरते हैं, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर उन्हें फील्ड खुद ही अपने साथ सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो ये डाउट को खत्म करिए, क्योंकि डाउट नहीं है। मैं इसका फाइनल आंसर दे रहा हूं, इफ योर 11th 12th 2 years आर फाइन, देन योर एंटायर लाइफ बिकम्स वेरी इजी, यू इंजॉय योर ग्रेजुएशन। द वर्ड इंजॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों की जिंदगी से समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो लोग अपनी पढ़ाई को इंजॉयमेंट के रूप में लेते ही नहीं है। कुछ नया पढ़ा दो, ये सिलेबस में नहीं है, ये क्लियरली दिखाता है कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपको इंजॉय करना चाहिए, जरूरी नहीं है सिर्फ साइंस के फैक्ट्स पता चले। अगर कल को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कह रहा है तो समझिए उसमें भी इंजॉयमेंट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो तो इंजॉयमेंट से लेना चाहिए, किसी एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ते रहना नहीं जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप कल को डॉक्टर बन जाएंगे और कोविड जैसी महामारी आ जाएगी, तो आप क्या संभाल पाएंगे आपकी डिग्रियां और आपकी इतनी पढ़ाई लिखाई है? नहीं, वहां पे आपने कैरेक्टर बिल्ड किया है स्ट्रांग इन एनी सिचुएशन, वो काम आता है। वहां जो आपने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी होंगी, उनको अप्लाई करना और प्लान बनाते होगे, उनको एग्जीक्यूट करना, ये सब काम आता है। नंबर कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, वो उस पर्टिकुलर डे पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने अपनी ऑनेस्टी से अपना कैरेक्टर बिल्ड किया है कि नहीं, इन ज्ञान लेने की, अगर आपने ज्ञान लेने के लिए आपने पढ़ाई की है कि नहीं, इंजॉय करना चाहिए। एक कॉमर्स के स्टूडेंट को, एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आकाश ब्लू क्यों दिखता है, ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो हम इंजॉय करेंगे, वी शुड इंजॉय द प्रोसेस एंड वी शुड इंजॉय गिविंग एग्जाम्स ऑल्सो। हम इंजॉय नहीं करते हैं इसलिए हम एग्जाम में चीटिंग करते हैं, हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है, जानते किस चीज का? सबको पता है 12वीं के मार्क्स नहीं जुड़ते, सबको पता है 11वीं के मार्क्स भी नहीं आपकी किसी जिंदगी में महत्व रखने वाले हैं। जानते प्रेशर किस चीज का है? पेरेंट्स का, मैं क्लियर बोल रहा हूं, अननेसेसरी प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चे ज्ञान या नॉलेज को छोड़कर नंबरों की रेस में लग गए हैं। अगर मैं इस पर बाद में बात करूंगा, ये मेरा एक 2 मिनट 3 मिनट का पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी जिसको पेरेंट्स जरूर सुने, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं कि हमें जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, आप जिंदगी भर मेहनत नहीं करते, आप फ्लो में बहते हैं, बड़े मजे से बहते हैं आप। अगर आपने 12वीं तक जो एग्जाम को अपने सेट किया है, नीट जेई जो भी, डीयू में एडमिशन जो भी कर, जो भी आपने सोच रखा है, वो आप ठीक से 2 साल ठीक से निकाल लें, आपको लिटरली लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको आसपास का एनवायरमेंट अपने साथ बहाव में ले जाएगा, आपको एंजॉय, यू विल एंजॉय योर लाइफ। बट अगर आप गलत कॉलेज में चले गए तो आपको बहुत ड्रैग करना पड़ेगा, बहुत जीवन भर ड्रैग करना पड़ेगा खुद को, लेकिन आप कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे जो मात्र 2 साल की मेहनत में पहुंच सकते थे, सिर्फ 2 साल की मेहनत में पहुंच सकते थे, आपको 20 साल में भी नहीं पहुंच पाओगे वहां पे, अगर आपने इस 2 साल में मेहनत नहीं करी, वहां नहीं पहुंच पाओगे आप। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इन 2 सालों में मेहनत करनी है या 20 साल 30 साल मेहनत करती रहनी, रिटायर हो जाना है मेहनत करते करते, लेकिन वो कभी मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो आपने अपने लिए सेट किया हुआ है, जो आपने सोचा हुआ है, आपने ख्वाब देखे हुए हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे अगर आपके ये 2 साल खराब हो जाते हैं। अब कोई कह देगा नहीं उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया, उसको तो ये हुआ था वो हुआ था, एक्सेप्शन ना बताइए मुझे, एक्सेप्शन में तो बिल गेट्स भी आता है, मार्क जकरबर्ग भी आता है, एक्सेप्शन से दुनिया नहीं चलती। मैं पहले बोल चुका हूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, फिर भी हम ये नहीं कहते कि डाउन द ग्रुप एफिनिटी इंक्रीजेस, हम बोलते यही है एफिनिटी डिक्रीजेस। एक्सेप्शन डू नॉट मेक द रूल, डू नॉट गिव मी एक्सेप्शंस।
एक्सेप्शन में फिर अमिताभ बच्चन भी आ जाते हैं, शाहरुख खान भी आ जाते हैं कि भैया है, शाहरुख खान का कोई खानदान में मूवी 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 में था नहीं, फिर भी पिक्चरों में हिट बन गए, ये एक्सेप्शन है। हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। एंड लेट्स थिंक अबाउट ऑन एन एवरेज स्केल, 97 to 96% पीपल दुनिया में एवरेज हैं। अगर आपको एवरेज में सक्सेस चाहिए, तो अगर आप एजुकेशन फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, म्यूजिक डांस और कोई भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो वेरी गुड, फिर तो छोड़ दो। मैं उनके लिए नहीं कह रहा मैं ये बात, पर जो एजुकेशन के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन के थ्रू अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ऐसा उनका पथ है, उनके लिए मेरी एडवाइस है 2 साल। आप मेरी बात को यकीन मानिए, आप खुद मुझसे कहेंगे कि सर आपने बात सही कही थी, हाँ सही, कॉलेज में चीज़ें खुद ही हो रही, मज़ा आ रहा है भैया, कॉलेज बहुत मेच्योरिटी चलता है। आपके पेरेंट्स आपसे एक दिन नहीं पूछेंगे आप अच्छे कॉलेज चले जाओगे, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। आप बोरे कॉलेज में चले जाओगे तो भी नहीं पूछेंगे आपसे। उन्होंने पेरेंट्स को भी ये लगता है कि चलो बच्चा 12वीं कर लिया, आपने आप जिंदगी निकाल लेगा, आप 18 के ऊपर हो जाओगे, आपसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन 2 साल आपको मेहनत करनी है, मैं बहुत जोर दे रहा हूँ उस बात पर, ये 2 साल आपकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करते हैं। अब आगे जो मेरा मैसेज है वो मैं पेरेंट्स के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैं पेरेंट्स की तरफ से ये उम्मीद करता हूँ कि वो पीटीएम में ये ना पूछें कि मेरे बच्चे के नंबर कितने आए, इसका कोई फायदा नहीं है। नंबर देख के अपने बच्चे को जज ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है। इट हैज नो मीनिंग टू जज योर चाइल्ड बाय मार्क्स, इट हैज नो मीनिंग। 11th 12th एक मैच्योर्ड क्लास है, यहां पे हम पेपर इस तरीके से सेट करते हैं कि हम बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करें, बच्चे की मगिंग एबिलिटी, रटने की क्षमता 10वीं क्लास में बड़े प्यार से तय की गई, चेक की गई है। तो बड़े मजे से बच्चा 9.8, 9, 90%, 10, 100%, 85% लाता क्या। कुछ बच्चे रट नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे बेहतर समझ लेते हैं, उनका दिमाग अच्छा चलता है, वो 60-70-75% पे ही रह गए। 11वीं 12वीं में ऐसा नहीं होगा। 11वीं 12वीं में 70 में से किसी पेपर में अगर किसी के 45 हैं, तो हो सकता है मैं उसे वेरी गुड बोलूं या कोई और टीचर वेरी गुड बोले। ऐसे जज नहीं करना है कि मेरे बच्चे के 25 नंबर कहाँ गए, वो 25 लाने हैं उसे, उसमें उसे 2 साल की साइकिल में बैठना होगा। तो पेरेंट्स से क्या उम्मीद की जाती है? अगर सही तरीके से असेस करना है तो ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को कितनी देर पढ़ते देखा, और उस पढ़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी देर रिटन वर्क कर रहा, कितनी देर अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, या कोई सवाल लगा रहा है, या कोई कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। सिर्फ लिखते रहने से कुछ नहीं होता, वो कितनी देर उसकी बैठने की क्षमता है पढ़ाई करने की, कितनी देर उसकी सिटिंग क्षमता है, ये सब आप एक कॉपी बनाइए, नोट करिए कि उसके डेली रूटीन क्या है। उसको अगर वो साइंस स्टूडेंट है, पीसीबी है या पीसीएम है, P और M/, तो देखिए वो कितनी देर पी और सी पढ़ता है एक दिन में, कितनी देर सी और एम पढ़ता है एक दिन में। मेरी रिकमेंडेशन ही रहती है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े जाएं, 3 नहीं 2, और अगर पढ़ना ही है तीसरा या काम मिल रहा है 15 से 20 मिनट काफ़ी है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी नहीं है कितने नंबर आए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका बच्चा जेई या नीट एस्पिरेंट है और उसका 99% भी अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसे तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा सरकारी, ना नीट ना मेंस, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना 99% का। रट के आ गए होंगे बोर्ड एग्जाम में, तो रटने वाली चीजें काफी आती, 30-40%, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? तो अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होनी, सबसे पहले स्टूडेंट्स में हैबिट डालना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज की हैबिट अच्छी, मतलब अच्छी हैबिट डालना जरूरी है। रोज रोज करते रहने की चीजें जरूरी, रोज कम भले ही पर रोज करना है। ये चीजें नोट करना जरूरी है कि आपका बच्चा क्या रोज कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, कितनी देर की सिटिंग है। चाहे पीटीएम हुआ करे तो आपके पास ही डिटेल होनी चाहिए कि मेरे बच्चे ने इस पूरे महीने में, इन 40 दिनों में,
इस तरीके से पढ़ाई की थी, ये उसके एवरेज नंबर ऑफ आवर्स थे एक महीने में, और उसका प्रतिदिन का डिटेल ये है। जो वर्किंग है बाहर जा रहे हैं, घर आके पूछें, जो वर्किंग नहीं है उनसे, कि इसने आज कितने दिन बैठ के पढ़ाई की। ये सुपरविजन अगर 2 साल कर लेंगे, जीवन भर सेट हो जाएगा पूरे फैमिली का। ये सुपरविजन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी, आप लोग भी मिस करेंगे। 12th के बाद बच्चा चला जाएगा बाहर कहीं पढ़ने, तो आप भी ये मिस करेंगे कि हम बच्चे को सुपरवाइज करना चाहते थे। दिस इज द टाइम यू हैव टू सुपरवाइज एंड इट विल ब्रिंग वेरी नाइस रिजल्ट्स। और स्टूडेंट को, बच्चे को एक कंफर्ट दीजिए कि भाई मेरा बच्चा जेन्युइन पढ़ाई कर रहा है। ये नहीं सिर्फ नोट्स बनाए जा रहा है, रटे जा रहा है, नहीं, वो पढ़ाई है। वो इनिशियल स्टेज होता है नोट्स बनाना, फिर उन्हें रिवाइज भी तो करना है, रिवाइज भी करना है। तो ये होना चाहिए, थोड़ा सा पूछ लिया कि बेटा तुमने रिटर्न काम कितनी देर किया, अच्छा ऐसे रिवाइज कब किया, अच्छा आज नहीं किया, तो एक नॉर्मल सा एक शीट बना ली और उसमें आप ये लिख सकते हैं कितनी देर रिवाइज किया, कितनी देर शीट किया। अभी मैं इसका पूरा डिटेल बना के आप लोग को देता हूँ कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो प्लीज करिए, इसमें आपका फायदा है, बच्चे की हैबिट हो जाएगी। फिर जब आपसे दूर रहेगा कॉलेज में तो वो शायद इसे कंटिन्यू करे। लेट्स मेक हिज हैबिट, उसकी हैबिट बनाते हैं। फिर कॉलेज में तो उसके साथ कोई नहीं रहेगा, उसको डांटने वाला, उसे फोकस में डालने वाला, तो उसमें यही वक्त है हैबिट डालने का। 11वीं क्लास स्टूडेंट बहुत खास तौर से, 12वीं का तो कुछ नहीं हो सकता ज्यादा, थोड़ा भी कर लेंगे 3-4 महीने शायद हैबिट कंटिन्यू हो जाए, पर 11वीं क्लास के बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो लोग अभी से शुरू करें अगर ये काम, तो पूरी जिंदगी उनकी एक हैबिट बन जाएगी, वक्त बर्बाद ना करने की, रूटीन से जिंदगी जीने की, जो कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है, हमेशा फायदा करती है। तो मैं अभी थोड़ी आपको इसमें वीडियो में आपको मैं एक बढ़िया सा प्लान बना के दूंगा कि आपको बेसिक चीजें करनी है, और देखिए वो क्या होता है, फिर बच्चे में आपको तुरंत चेंजेस दिखेंगे। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि नंबर ले, इतने क्यों आए, उतने क्यों आए, बस अगर बच्चा रोज पढ़ रहा है, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद डैट ओनली, नंबर अपने आप आ जाएंगे, इतना सा काम करना है। तो आपको बस एक बेसिक सी एक आपकी डायरी में लिस्ट बनानी है ऐसे, उसमें यहाँ पे आप डेट डाल लें टेबुलर फॉर्म में ऐसे, और उसमें 3 कॉलम बना लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो, जो भी आपके बच्चे ने ले रखा है 11th या 12th, जैसा भी। रोज आप एक डेट बना लें, आप जब काम से लौट के आए या जो भी घर में ये काम कर सकते हैं उनसे कह लो, करना कब है, एवरी मॉर्निंग, क्योंकि एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा तब नहीं, सुबह उठ के ये पूछना है कि तुमने कल क्या किया था फिजिक्स में केमिस्ट्री में और मैथ्स बायो में, जो भी सब्जेक्ट है। फिर आपको अगला सवाल ये पूछना, अच्छा क्या किया था पहले, यूनिट का नाम, भले आप साइड साइड से नहीं हो लेकिन आप एक यूनिट का नाम लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि हम आपसे पूछ पाएंगे कि इस तारीख को ये पूरा डेटा आपका बन जाएगा। जब हम रोज रोज करेंगे तो काफी दिनों बाद बहुत आसानी से टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा, इससे होगा आप भी इन्वॉल्व होंगे बच्चे की पढ़ाई में और आप उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा कि तुमने फिजिक्स में क्या किया, केमिस्ट्री में क्या किया, बायो या मैथ्स में क्या किया। दूसरा सवाल होगा इसमें तुमने कितना चीज रिवाइज किया। तो बच्चा बोलेगा सर पापा मैंने आज रिवाइज नहीं, मम्मी मैंने आज रिवाइज नहीं किया, मैंने बस आज लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये करना आपको नॉट रिवाइज, ये नहीं करना है क्यों नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा, ये नहीं करना है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली टू सुपरवाइज नॉट टू स्कोल्ड। स्कोल्डिंग नहीं करनी है हमें सिर्फ सुपरवाइज करना है, जो बोल रहा है यहां लिख देना ईमानदारी से, नहीं तो अगर हमने थोड़ा भी सख्ती दिखाई बच्चा डर में आएगा, फिर झूठ बोलेगा, हमें क्या पता वो रिवाइज करे बैठा है, क्योंकि शायद हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में से कुछ आता ना हो, हम तो उसकी आंकलन नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ पूछना है ताकि ऑनेस्टी मेंटेन रहे, ठीक है, नॉट रिवाइज। बेटा रिवाइज किया कि लिखा, पापा रिवाइज भी की, रिवाइज लिखा उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया, ठीक है। दूसरा सवाल रिवाइज किया, ऐसे आपको रोज बस 2 क्वेश्चन करने हैं, डेट डालनी प्रॉपर और एक प्रॉपर एक डिटेल बन जाएगी आपकी। इसमें क्या हुआ, बच्चे को रूटीन मिलेगा बिना डर के, आउट विदाउट फियर जो काम होता है वो बेस्ट होता है दुनिया में, उससे अच्छा कोई काम नहीं होता। विदाउट फियर हमें ये रोज काम करना है। फिर हम इसको बढ़िया सा, आप एक लिस्ट बनाइए बढ़िया पेन पेपर वाली, कोई ऐसा नहीं हाई फाई नहीं करना है, पेन पेपर में लिस्ट बनाइए, आपके पास भी रहेगा और आपके
जब आप रोज देखेंगे बच्चे ने काम किया है, तो फिर आप भी भले उसके कल को 50 में से 25 नंबर आए, आप कहेंगे चलो ठीक है काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवर्क पेज, डोंट वरी अबाउट दिस, दिस विल इंक्रीज, दैट इज अ वेरी बेसिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और मेरी स्टूडेंट्स, आप लोगों से भी प्लीज ये गुजारिश है, जब कोई डर नहीं है, कोई स्कोल्ड नहीं कर रहा, तो यहां पर ईमानदारी रखिएगा। अगर आप कह रहे हो ना मैंने लिखा ना मैंने रिवाइज किया, तो वो सच बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है सच बोली, लेकिन आप, क्योंकि पता है 3 4 दिन बाद ना आपको भी शर्म आ जाएगी, ये बोलते बोलते आज भी नहीं पढ़ा आज भी नहीं लिखा, बिल्कुल 3 दिन में शर्म आ जाएगी आपको, चौथे दिन खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा आपके साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स वापस आपके पास आते हैं, किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी का सबसे पहला जो मेथड इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहली चीज जो आपको सुनिश्चित करनी होती है, गारंटीड करनी होती है, उसे बोलते हैं बैक रिवीजन। बैक रिवीजन मतलब जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं उसको बार बार रिकवर करना जरूरी है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ पीछे का भूले नहीं है। और हम उसे वेट नहीं कर सकते कि पहले हम खत्म कर लें बाद में रिवीजन शुरू करेंगे, नहीं, हमें दिन का कुछ वक्त निकालना पड़ेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने के लिए, वो चाहे भले ही 15 मिनट हो, क्योंकि 15 मिनट कर लेना भी बेहतर है नहीं करने से। 15 15 मिनट पीसीबी या पीसीएम में आप लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 15 मिनट बहुत कम होते हैं। और 15 मिनट कैसे निकाल लें, प्रॉपर टाइम नहीं निकालना है, जो स्लॉट होते हैं ना फालतू स्लॉट्स खड़े हैं फालतू कहीं, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई ना कोई दिन का एक पीरियड आता है जिसमें कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो 15 मिनट के लिए आपको यह काम करना होगा। देखिए मैं केमिस्ट्री और मैथ्स कैसे करो, केमिस्ट्री वो आपकी प्रॉब्लम है कैसे करते हो, लेकिन 15 मिनट जरूर दीजिए बैक रिवीजन के लिए, ठीक है। उसमें आपके रेगुलर टीचर्स टेस्ट ले रहे होंगे, जो भी है। मेरा अपना काम यह है कि मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप 15 15 20 20 मिनट रोज, मेरे जो वीडियोस हैं प्रीवियस यूनिट्स जो खत्म हुई हैं उनको 1.5x पे अब आप देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो हमारा पूरा यूनिट है 13 घंटे 11 मिनट और 4 सेकंड में खत्म हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा, ये थ्योरी पार्ट कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे, जब पेपर आएगा तब आप क्वेश्चंस करेंगे, केवल जब एग्जाम आएगा तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन थ्योरी का करेंगे, ठीक है। कैसे, आप अपनी कॉपी खोलेंगे, ये आपकी कॉपी, इसमें नोट्स बनाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के बिल्कुल तमीज से, ठीक है। और आपने अगर बेईमानी करी है, ऑनेस्टी नहीं दिखाई है, किसी और बच्चे से बोला है फोटो भेज दे मैं सर को नोट्स भेज दूं, ऐसी भैया चीजें करी है, तो फिर आप नोट्स बनाना शुरू करिए 20 20 मिनट पैरेलल, क्योंकि सख्ती तो मैंने अभी से शुरू करी कि मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ बच्चों के जो नोट्स नहीं भेजते हैं। मैंने एक बार ही अल्टीमेटम दिया था, अब मैं रोज रोज नहीं देता हूँ अल्टीमेटम, ऑलरेडी बच्चों की रोज ए लग रही है जो काम नहीं भेज रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो अमल आपकी ये नोट्स कॉपी है, आप क्या करेंगे, आप लैपटॉप पे, मोबाइल बार्ड है वीडियोस देखने के लिए, अगर लैपटॉप नहीं है तभी मरता क्या ना करता, इसलिए आपको हमारे पे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लैपटॉप घर में है तो वीडियोस केवल लैपटॉप पे देखिए, ओके। आपने लैपटॉप खोला, ये लैपटॉप है, इस पे आपने वीडियो खोला फ्रंट फुल स्क्रीन पे, स्पीड सेट करी 1.5x, मैंने अपनी चेक की है, बोलने की स्पीड 1.5x पे भी काफी नॉर्मल है, 1.5x पे स्पीड करी, लेकिन वीडियो में नहीं देखा, चलने दो उसको, कॉपी पे नजर रखी, हाइलाइटर लिया हाइलाइटर, और जहां जहां आपको लगा अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट है उस पे हाइलाइट कर रहे हैं, उस पे हाइलाइट कर रहे हैं, और कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप इन छज्जों में लिख रहे हैं, ये छज्जे होते हैं ना ऊपर जो मार्जिन के ऊपर होते हैं, उन छज्जों में लिखते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि जब आप किसी नीट मेंस बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको पॉइंट्स 1 सेकंड में आपको चैप्टर की बढ़िया बढ़िया एक एक पेज की इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें बताते रहे चले जाएंगे, और फाइनल रिवीजन जब सवेरे उठ के बोर्ड एग्जाम के पहले करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट काम आएंगे आपके, ये आपको रोज 20 मिनट करना है। अब क्योंकि मैं 1.5x की स्पीड बोल रहा हूं, आपका 30 मिनट का काम हो जाएगा। अब है कितना, 13 घंटे, 13 घंटे 30 मिनट, 26 दिन में, 26 डेज के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, करंट में जो यूनिट चल रही है उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 बार रिवाइज हो चुका होगा, 2 बार,
और आप यकीन नहीं करोगे, जब बोर्ड एग्जाम, जब प्री बोर्ड आएगा ना, तो आपके क्वेश्चंस जो 145 क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं आपको, वो आपको करने ही नहीं पड़ेंगे, आपको देख के याद आ जाएगा कैसे करना है इनको, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, 26 दिन में ख़त्म। अब आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप देख रहे हैं 20 मिनट की पावर क्या होती है। देखो मंजन हम मुश्किल से 1-2 मिनट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, ब्रश नहीं करते ना, लेकिन क्योंकि रोज़ करते हैं ना, पावर होती है। कहते हैं गॉड लाइज इन डिटेल्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत अगर रोज़ की जाए तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है, तो हमेशा ये बात याद रखें। एनीवेज अब करंट की बात करते हैं, करंट की थ्योरी सिर्फ 2 आवर्स की है, 2 आवर्स 46 मिनट, सॉरी करीब करीब 3 आवर्स की थ्योरी है। करंट की थ्योरी करने के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, आपको अगर इसे 3 घंटे मान लें तो देखिए आपका 30 मिनट का काम कंप्लीट हो रहा है, तो आप कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 6 डेज में, 6 डेज में आपका करंट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी बात आती है उसकी मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म यूनिट में 9 घंटे 7 मिनट 55 सेकंड का काम है, हम इसको 9 घंटे मान लेते हैं। इसमें भी अगर आप 30 मिनट का काम डेली करेंगे, देखता रहे हो सिर्फ 20 मिनट, क्या कर रहे हो, अपनी ही कॉपी बैठ के मेरे वीडियोस में ऑडियो सुन के अपनी कॉपी में समझ रहे हो और हाइलाइटर से नोट कर रहे हो। 30 मिनट का काम प्रतिदिन करेंगे, आपका 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कब हो रहा है, साथ साथ, जैसे ऐसे हम आगे पढ़ाए जा रहे हैं, आप पीछे से 20 20 मिनट दे रहे हो। क्या 20 मिनट बहुत होता है, मुझे तो नहीं लगता बहुत होता है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम सुबह का नाश्ता करते वक्त भी कर सकते हैं, 8:50 क्लास स्टार्ट हुई, आप 8 से 8:20 भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जब 5 6 दिन बीत जाएंगे ना, आपको अपने आप ही अच्छी सी फीलिंग आएगी, वाह यार ये बढ़िया काम था यार, ठीक है। तो जब बहुत दिन आप छोटा छोटा काम करते हैं और वो बड़ा हो जाता है, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, फिर मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको, आपको रूटीन खुद ही बन जाएगा। और यही 20 मिनट रिवीजन में काउंट हो जाएंगे, या पेरेंट्स को बोल पाओगे हाँ मैंने रिवाइज किया, हाँ मैंने रिवाइज किया, हाँ मैंने रिवाइज किया, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, है ना। तो जो एग्जाम के पहले आप पागलों की तरह पढ़ते हो ना, भूत की तरह बिल्कुल कर, एक दिन में सारा पढ़ डालूंगा मैं, जिससे कुछ भी नहीं होता, जिससे आप सिर्फ चीटिंग करके 70 में से 50 ले आते हो, वो नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपकी ईमानदारी से बढ़िया नंबर आएंगे, और भाड़ में गए नंबर वो सब बात की बात है, वो नंबर आ जाते हैं, सबके आ जाते हैं। पिछले साल भी ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर आने की गुंजाइश नहीं थी, 5 या 6 आने से 70 में, उनके भी 50 आ गए, वो छोड़ो। लेकिन अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ये समझ में नहीं आया, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अगर इस लाइन में अपना करियर बना रहे हो तो, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत दिनों तक ऐसा कोई सत्संग नहीं किया, आपको ऐसी बातें नहीं बताई, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे अपने आप में काफ़ी मेच्योर्ड होते हैं, और तभी मैं कुछ बोलता हूं जब मुझे लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा भटक रही हैं, गलत जा रही हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आप कोई भी काम बिना एंजॉयमेंट के पूरा नहीं कर सकते, आप बीच में रुक ही जाओगे, ये गारंटी है मेरी। अब कहोगे एंजॉयमेंट कहां से आएगा, एंजॉयमेंट का एक ही तरीका है, चीजों को रोज करो, रोज, कभी भी उठ के मत करने लग जाओ, एक रूटीन बनाओ कि इस टाइम करूंगा। इसलिए आपकी अपनी पढ़ाई के लिए मैंने आपको कभी भी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा आपसे, आपसे कहा जो स्कूल हमें ऑफिशियली 55 मिनट देता है सारा हम उसमें करेंगे। क्या कभी मैंने आपको स्कूल के अलावा काम दिया, नहीं दिया ना, मैंने सिर्फ आपसे 5 दिन काम करवाया, और सैटरडे संडे मैंने मैंडेटरी नहीं रखा। उसमें कुछ बच्चे हैं जो मैंडेटरी नहीं होते हुए भी करके भेजते हैं, सॉरी बोलते हैं जब नहीं होता उनसे, उन दिनों में जब मैंडेटरी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उनको जज नहीं कर रहा जो नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। और अगर आपको एंजॉयमेंट चाहिए, आप जरा एक टाइम बांध लीजिए, सब्जेक्ट कोई हो, और उसको उसी टाइम पर रोज करिए, आपका अपने आप रूटीन बन जाएगा, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग। ऐसे एंजॉयमेंट नहीं आएगा कि कभी भी उठ के बैठ के पढ़ने लग गए, एक रूटीन, रोज भी पढ़ना पढ़ रहे हो ना अगर, लेकिन कभी भी पढ़ रहे हो फायदा नहीं है उसका। एक आप अपने हिसाब से स्लॉट बना लीजिए कि भाई इस टाइम पढ़ूंगा मैं। तो मेरे लिए आपकी पढ़ाई कितनी हुई, स्कूल टाइम के दौरान 40 मिनट और 20 मिनट रिवीजन, कभी भी, जैसे मैंने आपको बोला 8 बजे आप फिक्स कर लो, सवेरे 8 से 8:20 करेंगे फिजिक्स का काम, ठीक है, सवेरे 8 से 8:20 जो मैंने बताया रिवीजन, बैक रिवीजन, ये आप शुरू कर दीजिए हाइलाइटर से। और जिनको जो चाहते हैं कि सर मैंने कर लिया, मुझे भेजना चाहते हैं, वो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो शायद एक बन जाएगा रूटीन सा, तो सही रहेगा, लेकिन मैं इसमें मैंडेटरी नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें आप ऑनेस्टली करेंगे तो ऑनेस्टली करेंगे खुद ही, अपने लिए आपको फ़ायदा रहेगा उसमें। तो यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और रिमेंबर दिस,
जिससे स्टार्ट किया था, आपको पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर 12वीं में कर लो। जब तक पेन कॉपी पर है ना वो 12वीं है, उसके बाद अच्छी से हुई तो मस्त फ्लो स्पीड से नीचे गिरेगा, आपको मदद नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया एनवायरनमेंट जैसे यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड ने काम किया, एनवायरनमेंट आपके आसपास की जो भी एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, वो अपने आप आपके लिए काम करती चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँच जाओगे आप। लेकिन 12वीं और उसके बाद जो कॉलेज मिलना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।